सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। मेरा नाम है विराट और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक अनएक्सपेक्टेड डिमाइस ऑफ अ कंटेंट क्रिएटर के बारे में। गाइज, अगर आप लोग इंस्टाग्राम रील्स देखते होंगे तो आप लोग इनको जानते होंगे। इनका नाम है निशु देशवाल, जिनके इंस्टाग्राम पे 8 लाख के करीब फॉलोअर्स है एंड अपने इंस्टाग्राम पे ये ट्रैक्टर के साथ स्टंट्स वगैरह करते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे। बट कल इनसे रिलेटेड काफी ज्यादा एक शॉकिंग न्यूज बाहर आई, जिसमें बताया गया कि स्टंट्स करते टाइम पे ही गॉट पास्ड अवे। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे, ये सब एक्सीडेंट के बाद के विजुअल्स है, तो इसमें ज्यादा क्या ही बोल सकते हैं। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। ले गाइस, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं आमिर माजिद के बारे में। सो गाइस, आमिर माजिद इज बैक। कि आप सब लोगों को पता है, कुछ दिनों पहले वो अपने होम टाउन वापस आए थे, जहां पे वो डेली व्लॉग नहीं कर रहे थे क्योंकि वो अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम दे रहे थे। बट कल उनकी साइड से एक व्लॉग आउट हुआ जहां पे वो बेंगलुरु में थे एंड उन्होंने अपनी न्यू Z1000R परचेज कर ली है एंड अब से ही हैज प्रॉमिस कि उनके डेली व्लॉग रोज आने वाले हैं। तो मैं आपको थोड़ी क्लिप दिखा देता हूं। गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे आज के एक और प्यारे से वीडियो में। एज पर द प्रॉमिस, डेली व्लॉग्स की सीरीज जो है गाइस वो स्टार्ट हो गई है। व्लॉग जो है ये सेकंड चैप्टर है गाइस हमारी डेली सीरीज का। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम डेली व्लॉग्स डालें। हमारी लाइफ में ड्रैगन जो है वो वापस आ गया है। आज तुम्हारा भाई एक डिफरेंट जगह पे है, डिफरेंट लोकेशन पे है, सारी चीजें चेंज हो गई है। बैंगलोर हमने लीव कर दिया है। कल रात को ट्रेवल करके तुम्हारा भाई पहुंच चुका है फाइनली हियर एंड दिस इज गोवा गाइस। इस टाइम पे तुम्हारा भाई गोवा में है। तुम्हारी जो समर हॉलीडेज है गाइस, हमारा जो समर है वो गोवा में बीतने वाला है, वो भी ड्रैगन के साथ। गाइस, क्या आप लोग एक्साइटेड हो ओल्ड आमिर माजिद देखने के लिए? मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं ध्रुव राठी के बारे में। सो जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि ध्रुव राठी की साइड से एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल वीडियो आउट हुआ था, के बाद उनको काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे। अभी तक वो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं, बट ऑन दी अदर हैंड उनको काफी ज्यादा पर्सनल अटैक्स के थ्रेट्स भी आ रहे हैं। तो उसके ऊपर ध्रुव राठी की साइड से एक ट्वीट आउट हुआ जिसमें वो लिखते हैं, 10 मिलियन व्यूज ऑन द वीडियो, माय ओनली रिक्वेस्ट टू ऑल बीजेपी सपोर्टर्स, प्लीज वॉच द फुल वीडियो वंस विद एन ओपन माइंड। पर्सनल अटैक ऑन मी आर डाइवर्जन, द रियल इश्यू इज वेरी सीरियस, इफ यू ट्रूली केयर अबाउट द नेशन वेक अप। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं UK07 राइडर के बारे में। सो क्या उर्फी जावेद ने UK07 राइडर को ट्रोल कर दिया? वेल गाइस, आप सबको याद होगा कुछ टाइम पहले उनका एक पॉडकास्ट आउट हुआ था हर्ष एंड भारती चैनल पे, जहां पे उन्होंने कुछ ऐसा बोला था, आज तक आपने हमारी हम उस बैकग्राउंड से जहां पर हमारी मम्मी ने ना आज तक हमारे पापा के सामने एक ऊंची आवाज में कोई बात नहीं करी होगी। पापा ने कितनी चीजें बोल दी, मम्मी ने हमेशा इसी रील को उर्फी जावेद ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर करते हुए लिखा, व्हाट अ जोकर। ऑल्सो कल ऐसी बहुत सारी रूमर्स आ रही थी कि मुनावर फारूकी को जबलपुर में मारा गया। सो इस पे UK07 राइडर की साइड से पहले एक ट्वीट आउट हुआ जिसमें वो लिखते हैं, जबलपुर में किसी की पिटाई हुई क्या? एंड फिर उनकी साइड से एक इंस्टाग्राम स्टोरी आई जिसमें वो बोलते हैं, ये स्टोरी स्पेसिफिकली MP वालों के लिए, मोहब्बत हो यार तुम लोग, पहले इंदौर फिर अब जबलपुर। ऐसे इंदौर में हम लोग मीटअप कर चुके हैं, जबलपुर में मीटअप रखा जाए क्या? मुनावर फारूकी के रिलेटेड ऐसी कोई भी वीडियो सामने नहीं आई है एंड ऑल्सो उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी से पता लग रहा था कि कल वो मुंबई में है। तो क्या कहना है आपको इसके बारे में, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। चलिए गाइस, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं राजा डीसी के बारे में। सो राजा डीसी की साइड से एक वीडियो आउट हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि पंजाब पुलिस ने उनसे ब्राइब के तौर पे एक विस्की की बोतल डिमांड करी। मैं आपको क्लिप दिखा देता हूं। क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं? पैसे दो, हाँ शराब नहीं यार। गाइस देख रहे हो चंडीगढ़ में क्या चल रहा है। तो भाई गलती कोई भी नहीं थी, स्ट्रीट बेल्ट आपको पता है हमेशा डाल के चलाते हैं। शफकत ने भी डाली थी, जानू ने भी डाली थी, तो सामान छोड़ने जा रहे थे। देखो आपका एग्जॉस्ट वगैरह दिख रहा होगा, थोड़ा काम करवाना था। तो अभी बोलते हैं पैसे पूछे, चलो कैश तो आपको पता हम रखते नहीं, हमारे पास सिर्फ मोबाइल में पैसे होते हैं, मोबाइल पे पैसे लेते नहीं हैं। अब बोरे शराब की बोतल लेगा, तो आपको पता हम इन चीजों का हाथ भी नहीं लगाते ना, हम ये सब चीजें करते ही हैं। हम लोग बात करने वाले हैं आलियान राइडर और बिमला ब्लॉग्स के बारे में। सो गाइस, अगर आप बाकी न्यूज चैनल्स देखते होंगे तो आपको पता होगा इनकी स्क्रिप्ट एक्सपोज हो चुकी है, बट अब इनकी स्क्रिप्ट को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं एक्सपोज करने वाला हूं। सो गाइस, आलियान राइडर की साइड से 8 दिन पहले एक वीडियो आउट हुई थी जहां पे बिमला ब्लॉग्स ने आलियान राइडर के दोस्त को थप्पड़ मार दिया था। वो वीडियो आलियान राइडर ने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करा था, जिससे बिमला ब्लॉग्स को दिक्कत होने लगी कि भाई आपने मेरी परमिशन के बिना मेरी वीडियो कैसे अपलोड करी। फिर क्या भाई, वो एक वीडियो डिलीट करवाने के चक्कर में बिमला ब्लॉग्स 8 बार आलियान राइडर के चैनल पे अलग अलग वीडियोस में आई। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? भौंक रही हूं यार, वीडियो
पॉइंट वो वीडियो डिलीट करवाने का क्या फायदा जिसपे आलियान राइडर को ऑलरेडी 3,24,000 व्यूज आ गए हैं। दूसरा पॉइंट, स्क्रिप्ट में वीडियो डिलीट करवाने के चक्कर में इन्होंने इतनी बेकार हरकतें करी है, जैसे कि आलियान राइडर की बाइक पे पर्स मारना, आलियान राइडर की कार का शीशा तोड़ देना एंड फिर इनका वही घिसा पिटा डायलॉग। मैं लड़की हूँ भाई, इसमें क्या दिक्कत है भाई? अगर लड़की होने से इतनी दिक्कत हो रही है तो लड़का बन जाती। एंड मैं बाकी लड़कियों से ये पूछना चाहता हूँ जो ये वीडियो देख रही है कि क्या आप एक लड़की होने पे इतना ज्यादा बेचारा फील करती हैं? माना कि भाई यार ये सब स्क्रिप्ट होती है एंड ये इनके शॉर्टकट है फेमस होने के, लेकिन भाई ऐसा फेमस होने का क्या फायदा जहां पर इज्जत ना हो। चलिए गाइस, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं सौरव जोशी के बारे में। सौरव जोशी की साइड से आज एक ब्लॉग आउट हुआ जिसमें वो और गेमर फ्लीट एक साथ घूम रहे थे एंड कुछ लोग उनको रास्ते में मिले थे एंड बाइक पे बैठे हुए उन्होंने उनको गाली दे दी। मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ। अब हमने यू टर्न ले लिया है, अब हम जा रहे हैं वापस नीचे की तरफ। गाली क्यों दे रहे हो? गाली नाम बताओ अपना नाम। ये जो बाइक पे दो लड़के थे ना गाइस, गाली दे रहे थे पीछे से, कह रहे फोटो चाहिए, ऊपर से गाली भी दे रहे हैं। तो सुनाई तो देगी ना, खुली छाता सुनाई तो देगी ना। देखो भाग रहे हैं, अब भाग रहे हैं, पहले फोटो मांग रहे थे अब भाग रहे। मुझे एक बात पूछनी है, जैसे लोग चलते हुए गाली क्यों देते हैं? यार मेरे को समझ में नहीं आता यार, और ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें झूठ भी नहीं बोलूंगा, ये मजाक वाली बात नहीं है। आपको भी दिएगा किसी ने? करते हैं यार, मेरे को नहीं पता, मेरे को भाई मतलब आपका तो समझ में आता है एक बारी को, मेरे को क्यों दे रहे हो? क्या समझ में आता है बताओ, क्या समझ में आता है, क्या समझ में आता है, क्या समझ में आता है, क्या समझ में आता है? ऊप्स, मैंने क्या बिगाड़ा उन बाइक में? मजाक कर रहा हूं, मैंने क्या बिगाड़ा बताओ, क्या बिगाड़ा मैंने भाई? मेरे मन, आपने कभी मेरे को आज तक गाली क्यों सुना है? मेरे मुँह से कभी गाली सुनी है? नहीं। मेरे थॉट्स गाली वाले सुने कभी? किसी के प्रति कुछ गलत सुना है? हेटफुल थॉट ही नहीं आते हैं मेरे को, कभी माइंड में आता ही नहीं ऐसा कुछ। तो भाई क्यों बताओ, रीजन बताओ। जेन्युइनली मैं नहीं सोच सकता फिर, अब हमें पता ही नहीं वो कैसे सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये बात। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ के बारे में। सो गाइज, आपको पता होगा इन दोनों की एक मूवी आ रही है, बड़े मियां एंड छोटे मियां। रिसेंटली लखनऊ में इनका एक इवेंट था जहां पे इनको अपनी मूवी को प्रमोट करना था। गाइज कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पे उसी इवेंट में ऑडियंस ने अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ पे अपने जूते चप्पल फेंके हैं। यस, पुलिस ने भी ऑडियंस पे लाठीचार्ज वगैरह करा है। मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ। बड़े मियां छोटे मियां, आप दोनों से ही कुछ सवाल। अक्षय सर और टाइगर सर के साथ हमारे साथ सूर्यपाल सर भी है, हूज डीएम ऑफ लखनऊ। मैं उनको स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगी। डीएम सर, डीएम ऑफ लखनऊ, नमस्कार जी, क्या हाल है आपका? गाइज लास्टली हम लोग बात करने वाले हैं नीरज गोयाट एंड जेक पॉल के बारे में। सो गाइज आप सबको पता ही होगा कि लास्टली कुछ दिनों से इन दोनों के बीच में एक ई लफड़ा चल रहा था। एज ये दोनों एक रेसलर हैं, तो नीरज गोयाट ने इनको एक चैलेंज करा था कि ये उनके साथ एक नॉकआउट मैच खेलें। एंड कल जेक पॉल की साइड से एक इंस्टाग्राम रील आउट हुई जहां पे ये दोनों मिले हैं। मैं आपको क्लिप दिखा देता हूं। Oye, Jake Paul, I'm the man of my world. Come to daddy. I'm here. Come to daddy. I'm in your country. Come I'm to in your daddy. Town. I'm here in your gym, yeah, man. You came to see me. You don't want to fight, though. Hey, abuse. You don't want to fight, bro. You're abusing your you translate application. You don't want to fight, buddy. What? You're using translate application, right? And you're abusing in Indian language? No, abuse. Listen, brother. Gali. Listen, brother. You can't handle a little shit talk. Your feelings are hurt? I don't understand. Your feelings are hurt? Did I hurt your feelings? No, you hurt? Did I hurt your feelings? Yeah, check. It feels a little... Hey, no, it's not little. It's a jigra. Listen, brother, fuck you three times, brother. Punjad parle mera.
Punjad Parle. Punjad Parle. Yeah. Yeah. Punjad Parle. Listen to me, brother. I respect you. I respect you. Don't. Please. I respect you. I respect you for showing up, man. The man. I'm also but you don't want to fight. I never. But you don't want to fight. I never. You don't want to fight. I never. Whoa. I never. You don't want to fight. I got. तो गाइस ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो चैनल सब्सक्राइब किए ना बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं कोई नई वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।